मतलब लास्ट तक की वीडियोस में हमने बात कर ली थी, हम लोग पढ़ रहे थे इंटेस्टाइनल डाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल डाइजेशन, जिसमें हमने बात की थी जो काइम होता है, क्योंकि फूड जैसे ही स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है, हमने इसको बोला था काइम बोला था, ठीक है, काइम बोला था। इसमें से क्या होने लग जाता है, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं ड्यूडेनम की तरफ। ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाएंगी, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाएंगी जो कि एल्कलाइन लिक्विड का, सो एल्कलाइन लिक्विड का क्या करेंगी, जिसका पीएच 8 से 9 तक पाया जाएगा, इसको सेक्रेट करेगी। क्यों करेगी सेक्रेट, सेक्रेट इसलिए करती है क्योंकि स्टोमक में हमेशा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एक हाईली एसिडिक प्रोडक्ट है, हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, जिसके कारण ड्यूडिनम की जो लेयर्स होती हैं इनको क्या हो सकती है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए, ड्यूडिनम को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्कलाइन लिक्विड का किया जाता है, यहाँ पे सेक्रेशन किया जाता है। पहली बात तो यहाँ तक ये हो चुकी है। फिर बात की जाए पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है पैनक्रियाज में, ठीक है ना, पैनक्रियाज में होता है, और बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है हमेशा लिवर के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पे एंटर होते हैं, ड्यूडिनम में एंटर होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, जो कि बाइल बाइल में पाए जाते हैं H2CO3 के प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, काइम को न्यूट्रल फॉर्म करने का काम करते हैं और एसिडिटी को इसकी कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था हमने, इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा, यदि इसकी बात की जाए, इसके पीएच की बात की जाए, ठीक है ना। एक एल्कलाइन फॉर्म में होता है, लगभग लगभग 7.5 से 8 तक इसका पीएच पाया जाता है, इट इज स्लाइटली स्लाइटली एल्कलाइन, लिक्विड, ठीक है ना। कितना क्या होता है इसका पीएच, क्या होता है 7.5 से 8 तक क्या होगा, होता है। इससे इसमें क्या होगा, डाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा, साथ ही साथ एब्जॉर्पेशन का भी काम होगा। फिर बात की जाए यदि बाइल साल्ट्स की, जो कि बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की बात करते हैं, ठीक है ना, और पाए जाते हैं बाइल साल्ट्स के, बाइल जूस के अंदर लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन क्या होता है, जो फैट होती है, फैट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए एक प्रोडक्ट होता है, जो कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोई भी एसिड होता है, चिकनाई को क्या कर देता है, आसानी से हटा सकता है। इसी प्रकार से फैट भी क्या होती है, चिकनाई होती है, इसको वाटर से तो दूर किया नहीं जा सकता, कुछ इस प्रकार का हमें सब्सटेंस चाहिए जो कि इसके साथ जुड़ सके, तो इसके लिए क्या पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने बात की है बाइल साल्ट्स की, जिसमें क्या था, सोडियम था, पोटेशियम था, एंड लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है, बाइंड विथ फैट मॉलिक्यूल्स के लिए भी आगे बात कर सकते हैं हम लोग। इसमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। एक पार्ट जो हाइड्रोफिलिक है, ये क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो फैट मॉलिक्यूल से हमेशा दूर की तरफ भागता है। इसको हम लोग पूरा आगे देख लेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो मिशेल, पढ़ते हो स्ट्रक्चर ऑफ मिशेल केमिस्ट्री के अंदर, तो उस प्रकार से क्या बनता है, हमारे पास मिशेल बनता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। तो अभी हमने बात की है जो लेसिथिन था, यदि लेसिथिन मॉलिक्यूल मान लो, या कह सकते हैं ये क्या है, एक फैट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक फैट मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से इसमें पाया जाएगा, ये
ये क्या है, ये तीन बना दिए मैंने, लेसिथिन मॉलिक्यूल बना दिए यहाँ पे। समझने के लिए देख लेते हैं हम लोग, ये जो ऊपर राउंड स्ट्रक्चर है जो कि डार्क कंडीशन में मैं बना रहा हूँ, ये क्या है इसकी, हाइड्रो फिलिक पार्ट है। ये क्या है, हाइड्रो फोबिक पार्ट। और ये जो फोबिक वर्ल्ड है, फोबिक वर्ल्ड बना है किससे, फोबिया से। फोबिक जो वर्ल्ड है इसका निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है फोबिया, जो कि आप करते हो। इसका एक्चुअल मतलब होता है डर, फियर या डर, ठीक है ना, एक्सेसिव फियर ऑफ समथिंग, उसे हम लोग बोलते हैं फोबिया। जैसे किसी एनिमल को, किसी ह्यूमन को हो जाता है हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने से, डॉग वगैरह से, रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। तो फियर, फियर का मतलब होता है हमेशा डर, डर है तो ये दूर भागेगा। तो इसमें जो हाइड्रोफिल फाइल का मतलब होता है पास, नियर, नियर फाइल का मतलब होता है नियर या पास। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोफोबिक फाइल, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इस प्रकार से कहते हैं ये फैट मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस प्रकार से जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है क्या हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी भाषा में हम इसको नॉन पोलर पार्ट भी कह सकते हैं, नॉन पोलर पार्ट भी कह सकते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा पोलर पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट हमेशा किसके अंदर, पानी, वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट हमेशा किसके अंदर, फैट मॉलिक्यूल के अंदर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, वन पार्ट ऑफ, वन पार्ट ऑफ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट एंड लेसिथिन, एंड लेसिथिन मॉलिक्यूल्स आर, मॉलिक्यूल्स आर पोलर। एक पार्ट क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, एंड एंड अदर पार्ट इज नॉन पोलर पार्ट, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, दूसरा नॉन पोलर हो जाएगा। तो नॉन पोलर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फैट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, डिजॉल्व हो जाएगा फैट मॉलिक्यूल के साथ। और जो हाइड, ये पोलर पार्ट है, ये नीचे वाला क्या है, ये वाला पार्ट जो था कहाँ पे बनाया था हमने, हाइड्रोफोबिक होके पोलर पार्ट, ये क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर डिजॉल्व हो जाएगा। द पोलर पार्ट, द नॉन पोलर पार्ट डिजॉल्व इन नॉन पोलर पार्ट डिजॉल्व्स इन सरफेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। हमने ही बात की नॉन पोलर कैसे जुड़ गया, आपके ऊपर की तरफ ये बनाया हुआ है फैट मॉलिक्यूल के साथ आके जुड़ गया, एंड पोलर पार्ट, एंड पोलर पार्ट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। वाटर कहाँ पे है, फूड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, इससे इससे क्या होगा, अब ये जो ग्लोबलेट बना है, पूरा ग्लोब्यूल बना है, पूरा का पूरा अणु का निर्माण हुआ है, एक बड़े अणु का निर्माण हुआ है, ये क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इससे क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन होगा, जिससे हम लोग आसानी से क्या कह सकते हैं, एंजाइम की सहायता से इमल्सिफाइड करा जा सकता है। ड्यू टू दिस एक्टिविटी, ड्यू टू
दिस एक्टिविटी सरफेस टेंशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ फैट फैट ग्लोब्यूल्स रिड्यूस्ड ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। अब इस पे क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं इन पे क्या एंजाइम रिएक्शन कर सकते हैं, एंजाइम्स एंजाइम्स क्विकली एंजाइम रिएक्ट विथ स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स पे इन पे एंजाइम की फंक्शन करा सकते हैं। और एंजाइम का आपको पता ही है काम क्या होता है सबको, कि किसी भी फैट के साथ में यदि कोई भी एंजाइम जुड़ जाता है तो, या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में कोई भी एंजाइम जुड़ जाता है तो उसकी रिएक्शन रेट को चेंज कर देता है। हमने एंजाइम पहले पढ़ा भी हुआ है, उसको ब्रेक करने का भी काम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फैट प्लस बाइल, ठीक है ना। बाइल ने यहाँ पे क्या किया है, इमल्सिफिकेशन के लिए एक फैट का फॉर्मेशन कर दिया है, इमल्सिफिकेशन होता है, मैं बता देता हूँ दोबारा। इमल्सिफिकेशन होता है कोई भी फैट मॉलिक्यूल्स होता है इसको डिसॉल्व करने के लिए, जो भी सब्सटेंस हम डालते हैं तो उसको उसकी सहायता से घोलना, डिसॉल्व करने वाला जो प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्ट डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यदि हम लोग फैट लेते हैं, कोई भी तेलीय पदार्थ लेते हैं, तो उसके साथ में यदि बाइल को यूज़ में ले देते हैं, बाइल क्या होता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें बाइल साल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये बाइल इस पे रिएक्शन करेगा, फैट के ऊपर रिएक्शन करेगा। फैट के ऊपर रिएक्शन करने से क्या बन जाएगा, एक इस ऐसे पदार्थ का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा फैट के, जो कि क्या हो सकता है आगे ब्रेक किया जा सकता है, जिसको आगे डिसॉल्व किया जा सकता था। और डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, फैट के डिसॉल्व करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन और जो प्रोडक्ट बन के आए हमारे पास वो कहलाएगा इमल्सिफाइड फैट कहलाएगा। अब इस पे क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, काम करेगा। इस पे क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा। क्यों, हमने बात की इंटेस्टाइनल डाइजेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना, इसमें हमने फैट की तो मोस्टली बात कर ही ली। अब बात आएगी प्रोटीन की, प्रोटीन के ऊपर काम करेगा पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या पाए जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज नामक एंजाइम, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो एंजाइम की हमने बात की है, एक बार दोबारा नाम लिख देता हूँ, ट्रिप्सिन की हमने बात की, काइमोट्रिप्सिन की हमने बात की ठीक है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की हमने बात की, और इलास्टेज की हमने बात की। ये सारे के सारे एंजाइम किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, इन एक्टिव फॉर्म में मिलते हैं ठीक है ना। किस फॉर्म में मिलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी एंजाइम को पहले एक बार एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग प्रोटीन को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोटीन को कर सकते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है,
इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इस पर एक एंजाइम होता है काम करता है एंट्रोकाइनेज। ये एंट्रोकाइनेज काम करने के बाद में, एंट्रोकाइनेज काम करने के बाद में ट्रिप्सिन का फॉर्मेशन कर देता है जो कि एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। हमने आज की वीडियो में बात की है इंटेस्टाइनल जूस की, बात किया। इंटेस्टाइनल जूस में दो प्रकार के जूस होते हैं, नहीं इंटेस्टाइनल जूस का यदि पीएच की बात की जाए तो एल्कलाइन होता है, ठीक है ना। बाइल साल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों पाए जाते हैं। बाइल साल्ट्स की हमने मोस्टली बात की, इसमें क्या होता है बाइल साल्ट्स एन सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, साथ ही लेसिथिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेसिथिन मॉलिक्यूल्स का काम ही होता है कोई भी फैट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने का, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, एक तो नॉन पोलर पार्ट होता है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है और फैट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने का काम करता है। दूसरा होता है पोलर पार्ट जो कि फैट मॉलिक्यूल से दूर रहता है और वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एक ऐसे फैट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि क्या हो सकता है, आगे ब्रीक किया जा सकता है, आगे इसको डिसॉल्व किया जा सकता था, इमल्सिफाइड फैट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला है इमल्सिफिकेशन। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।